डन टडन टडन टडन, अभी शुरू होने जा रहा है आरे रोड। हाय दोस्तों, सो बेसिकली हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा इंजन ब्रेकिंग करने के लिए नियर के बुलेट का। सो हम लोग ने सोचा कि हम लोग आरे कॉलोनी चलते हैं, थोड़ा सा मज़ा आएगा, मौसम का मज़ा लेते लेते हुए चले जाएंगे मस्त बढ़िया से। और बहुत दिन के बाद हेलमेट पे गोप्रो लगाया है और ये चिन माउंट का मज़ा क्या बात है, इट फील्स सो गुड टू डू दिस यू नो। सो सीधा चलते हैं और जब हम एंटर करेंगे तब आपको वापस दिखाएंगे। अभी शुरू होने जा रहा है आरे रोड, आरे कॉलोनी शुरू होने जा रही है और बादल भी दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है बारिश होने वाली है। सो गाइस देखो कैसे फ्रेम चेंज हो गई है, दिस इज आरे कॉलोनी एंड कैन यू सी व्हाट इट इज, इट इज सो ग्रीन, लुक एट दिस ब्यूटी एंड इट्स लाइक 5 मिनट्स फ्रॉम माय प्लेस। ये तो थोड़ा ऑफ रोडिंग भी हो गई यार ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट बैड रोड्स इन मॉनसून इन मुंबई फॉर श्योर। शिट लुक एट दिस, ओ मैन पूरा बाहर आ गया है, ये देखो बारिश की देवता ऐसे हम पे मेहरबानी रखना, अभी मत बारिश लाना वरना अच्छे से शूट नहीं कर पाऊंगा, वरना फिर मुझे चेस्ट माउंट निकालना पड़ेगा, फिर मैं ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा यार, क्योंकि अभी मतलब वाटरप्रूफ केस नहीं है मेरे पास, है लेकिन अभी लगा ही नहीं है। दिस इज़ गोरेगांव ईस्ट माई फ्रेंड्स, जो बाहर है बॉम्बे के, इंडिया के बाहर, जो जानना चाहते हैं कि वॉट एरिया इज़ दिस, सो दिस इज़ गोरेगांव ईस्ट एंड दिस इज़ कॉल्ड आरे कॉलोनी। यहाँ से आप जाएंगे, दिस इज़ छोटा कश्मीर, एक ऊपर एक छोटा सा पार्क है, मैं बचपन में यहाँ पे आया करता था, और ये तालाब है, यहाँ पर गणपति विसर्जन होते हैं। कैन यू सी दैट, हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। छोटा कश्मीर को ओपी भी कहते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट फॉर सम रीज़न। सी ये पेंडल देख रहे हो, दिस इज़ वेयर द गणपति विसर्जन हैपन्स एंड इट इज़ ब्यूटीफुली डन हियर। आप लोग देख लीजिए हाउ ब्यूटीफुल इज दिस। सो गाइज मैंने अभी हेलमेट भी नहीं निकाला, बस गोप्रो माउंट से, चिन माउंट से गोप्रो निकाला और वीडियो करने लग गया। सो ऑडियो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होने वाली है, सो प्लीज़ डोंट माइंड, बट एन्जॉय द सीनरीज, इट्स ब्यूटीफुल क्लाइमेट हियर। हेलमेट नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि कभी भी बारिश आ रही है, सो एज यू कैन सी इट्स ब्यूटीफुल हियर। और ये निहार की नई बुलेट देखिए क्या चमक रही है, ही सुपर एक्साइटेड एंड सुपर हैप्पी, चकाचक हो गई है। So yeah, it's beautiful here. This is RA Colony for you guys. And it looks wonderful in this time of the season. So enjoy the views here. अभी वापस गोप्रो लगाता हूँ चिन माउंट पे, और क्योंकि बारिश रुक चुकी है एंड और अच्छा फुटेज आने की संभावना है, तो वाई नॉट टेक अ चांस। वापस आती है बारिश तो वापस निकाल देंगे, लेकिन अभी नहीं है तो इट शुड बी वर्थ इट जो ड्राइव है, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग यहाँ पर एटमॉस्फेयर है। तो हम लोग निकल चुके हैं, थोड़ा फोटो सेशन किया, थोड़ा सा रुके और वापस चिन माउंट पे डाल दिया मैंने अपना गोप्रो और निकल लिए हम लोग।
ओह लुक एट द वेदर, लुक एट द वेदर। इट्स वर्थ अ राइड, इट्स वर्थ अ राइड, इजंट इट? कैन यू इमेजिन 10 मिनट्स फ्रॉम माई होम एंड दिस इज वॉट मुंबई इज? हाँ, लुक एट दैट, लुक एट द ट्रीज, हाउ दे आर जॉइनिंग ईच अदर। ओह हो, क्या बात है यार, अमेजिंग। दिस इज मिल्क ट्रांसपोर्ट, अरे डेपो, मिल्क डेपो। चलो लेट्स सी यार, ये कभी मैं पहली बार आ रहा हूँ ऐसे। ये रोड और ही ब्यूटीफुल होने वाली है, आई एम श्योर अबाउट इट। आदर्श नगर, लेट्स टेक दिस रोड। आई थिंक दिस वी शुड गो हियर, आई थिंक वी शुड गो हियर, दिस इज ब्यूटीफुल। Wow, it was refreshing, man. It was so refreshing. Oh, look at the roads. Look at the roads. How beautiful they are. मज़ा आया कि नहीं आप लोगों को? आई एम श्योर आप लोगों को ये ब्लॉग देख के, ये एरिया देख के बहुत अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो क्या करना है दोस्तों? सब्सक्राइब करना है, भूलना नहीं है। कमेंट सेक्शन में डालिए, बताइए कैसा लगा, लाइक करिए और इस चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प करिए गाइस। दिस इज़ आप लोगों के लिए मैं करता रहता हूँ और अपनी खुशी के लिए भी करता रहता हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा मुझे। थैंक यू सो मच इन एडवांस फॉर हूएवर हु हैव सब्सक्राइब्ड, थैंक यू सो मच गाइस। ग्रीनरी ख़त्म, ट्रैफिक चालू। सो वॉश के लिए लेके आया हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी दिन से बाकी था। जो लास्ट टूर की थी, लास्ट ट्रिप की थी, उसके बाद बहुत जो लास्ट ट्रिप कही थी उसके बाद भी नहीं हुआ था। उसके बाद काफ़ी जगह जाके आए और अभी भी नहीं हुआ, तो आज है कि आज हम वॉश करेंगे फॉर श्योर। सो ये बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग पार्ट होता है यार, इतना मज़ा आता है मेरे को ये सब देखने में। सो बेसिकली आफ्टर द राइड, बहुत दिन से मुझे ये जो मेरे सिग्नल्स है, सिग्नल लाइट्स, ये वाले, ये ब्लैक करने थे। तो मैं आ गया हूँ मेहता ऑटो स्पेयर पार्ट्स, दे हैव अ गुड क्वालिटी। तो मैं आफ्टर द राइड, जो बहुत ही रिफ्रेशिंग थी, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया एंड चेंज करता हूँ, चारों चेंज करता हूँ, क्योंकि क्रोम जो है ये लोग जो बाय स्टॉक में आते हैं वो थोड़ा सा बारिश में ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स थोड़ा सा अलग उनका रंग हो जाता है, तो अच्छे नहीं दिखते। तो ब्लैक डलवा लूँगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू। सो दिस इज व्हाट आई एम गोना फिट राइट नाउ। लाइट में आता हूँ। सो दिस वन विल नॉट, विल हैव अ वेरी लेस वेयर एंड टेयर बिकॉज इट हैज़ अ वेरी गुड क्वालिटी, और इसका एक जनरल वेयर एंड टेयर नहीं होगा पानी और इन सब की वजह से, जो क्रोम का बहुत ज़्यादा होता है। सो दिस विल बी गुड आई गेस। सो लेट्स फिट दिस वन। Aren't they really cool? So basically ये लगाने का रीज़न ये है कि तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये ब्लैक हो और ये वेयर एंड टेयर भी नहीं होगी बारिश में। सो आई थिंक दिस इज अ गुड डील एंड एज आई सेड 1000 rupees इंक्लूडिंग लेबर फॉर ऑल द 4 signals इज नॉट बैड एट ऑल। सो बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई एम लविंग इट। सो आई एम बैक होम, मैं यहाँ पे ही ये ब्लॉग एंड करने वाला हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया ये राइड पे, आई एम श्योर कि आप लोगों को भी ये ब्लॉग देख के उतना ही मज़ा आया होगा। सो ऑन दिस नोट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इफ यू हैव वॉच टिल नाउ एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर सच प्रेशियस टाइम फॉर दिस वीडियो एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी ऑफ कोर्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट।
जितना हो सके उतना ज़्यादा, बिकॉज दिस अ न्यू चैनल, आई वॉन्ट इट टू ग्रो. सो आप लोगों की हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो आई हैड फन टुडे, होप यू गाइज टू. थैंक यू, बाय.